कैंसर रोगियों के लिए महानगर की एक संस्था द्वारा लगातार नृत्य व गायन का ऑडिशन चलाकर कैंसर के लक्षण और उपाय के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सिविल लाइन स्थित एक मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी के अलावा नगर निगम के उपसभापति जितेंद्र सैनी, गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता रत्नाकर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर नृत्य और संगीत से जुड़े प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, हर बच्चे में होता है और असली गुरु वही होता है जो हमारे बीच हमारे भीतर छिपे हुए दबे हुए उस टैलेंट को उभार दे। एक मंच देना बहुत बड़ी बात होती है। आज के समाज ऐसा हो गया है कि हम दूसरों का हक छीनते हैं, यहाँ उसके भीतर की प्रतिभा को निखारने के लिए निस्वार्थ प्रयास किया जाता है। हंट कर जैसे कहा जाता है, उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारने के लिए मंच दिया गया है, चाहे संगीत का हो चाहे नृत्य का हो उनको दिया गया है। लेकिन मोस्टली ये यहाँ कैंसर उन्मूलन के लिए, कैंसर नियंत्रण के लिए कैसे उसको नियंत्रण किया जाए उसके ऊपर ये बच्चों को जानकारी देने के, जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया है। कई तरह के तरह प्रोग्राम सालों से करते आ रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा बच्चों को मौका मिलता है अपने अपने अंदर जो उभरी हुई उनके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारने का मौका मिलता है।